वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 के अभ्यर्थी आज आरपीएससी कार्यालय पहुंचे और सामाजिक विज्ञान विषय के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति की मांग रखी। अभ्यर्थी मौन जुलूस निकालते हुए आरपीएससी कार्यालय पहुंचे। अभ्यर्थियों का कहना था कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 का रीशफल परिणाम 21 मई को घोषित किया जा चुका है, जिसके दस्तावेज भी जमा करवा दिए गए हैं, लेकिन आज तक नियुक्ति नहीं दी गई है। इसीलिए सभी अभ्यर्थियों ने आरपीएससी प्रशासन से जल्द नियुक्ति देने की मांग रखी है। जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी, अभ्यर्थी आरपीएससी के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। नियुक्ति नहीं मिलने से अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम सचिव साहब से मिल के आए हैं तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है भाई अगले वीक में लास्ट तक आपका काम हो जाएगा, तो हम आज धरना नहीं दे रहे हैं। अगले वीक में फिर नहीं होगा काम तो हम ना फिर धरना देंगे। सेकंड ग्रेड 2016 सामाजिक विज्ञान का और रीशफल आया है 21 मई को 124 पदों पे, उनका काम नहीं हुआ। सचिव साहब से मिल के आए हैं, अगले वीक के लिए बोले हूँ। वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विषय की जो 2016 की अभी रिसपल परिणाम आया हुआ है 21 मई को आया था, तो अभी तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। फॉरम में जमा करा दिए और चेक भी हो जाए, लेकिन बीकानेर अनुशंसा नहीं भेजी जा रही है उनकी। तो इस विशेष को लेकर हम आज आरपीएससी सचिव महोदय से मिले हैं, तो हमने उनको कहा कि 4 महीने हो गए अभी तक हमारा प्रोसेस चालू नहीं हुआ है, तो उन्होंने एक आश्वासन दिया है और हमने भी कहा कि धरना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने ये कह के हमें वापस भेजा है कि अभी रुको, अब नेक्स्ट वीक में आपका काम हो जाएगा, तो उस वजह से हम देखते हैं 2-4-5 दिन का, और नहीं तो हम वापस धरना स्टार्ट करेंगे। और धरना स्टार्ट करने के बाद में भी अगर ये काम नहीं होता है तो हम फिर अनशन स्टार्ट करेंगे।